हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने 5 वीडियो बना के आपको बता दूँ किसी भी कठिन शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखें, यह पार्ट 6 है। अभी तक आपने उस 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा, आप अच्छे से अंग्रेजी का कठिन से हिंदी के कठिन से कठिन शब्द को अंग्रेजी में आसानी से लिखने सीख पाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं तो प्लीज़ दोस्त एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या अंतर्निहित है, क्या अंतर्निहित, पहले अंत लिखिए उसके बाद निहित लिखिए, क्या हो जाएगा अंतर्निहित। ओ के लिए क्या लिखते ए, ओ के लिए ओ, नो के लिए एन, आधा नो है सिर्फ ए लगेगा, फिर टी, ए एन टी अंत। निहित है तो एन आई आर, रेफ का क्या होता आर, रेफ का आर, हो है तो एच, फिर हर्षिका है तो आई, फिर तो है तो टी, क्या हो गया अंतर्निहित, क्या हो गया अंतर्निहित। यहाँ देखिए अग्र प्रेषित, क्या अग्र लिखिए प्रेषित लिखिए, बन जाएगा अग्र प्रेषित, तो ए जी आर, क्या बन गया अग्र, ए जी आर अग्र प्रे, ए जी ए, ए जी आर ए, सॉरी यहाँ पे ए जी ए आर अग्र होगा, अग्र प्रेषित, तो पी आर, पो में रो है, ए का है तो ई, अमरदंत सो है तो एस एच, फिर हर्षी का है तो आई, फिर तो है तो टी, क्या बन गया अग्र प्रेषित, क्या बन गया अग्र प्रेषित। उसी प्रकार देखिए राज्य पत्रित है, क्या राज्य पत्रित, तो रो के लिए क्या लिखते हैं आर लिखते हैं, रो के लिए आर, तो आर ए जे राज पत्रित है, तो पी ए टी आर आई टी राज पत्रित, क्या बन गया राज पत्रित। यहाँ पर देखिए क्या अनुग्रहांक, अनुग्रहांक, तो ओ के लिए क्या लिखते ए, नो के लिए एन, हर्षुका के लिए यू, क्या बन गया अनु ग्रहांक, तो जी आर ए एच, फिर आ है ए है तो ए एन के, ए एन यू जी आर ए एच एन के, क्या बन गया अनुग्रहांक, क्या बन गया अनुग्रहांक। ध्यान से आप देखते जाइए, तो यहाँ देखिए क्या भूवैज्ञानिक, क्या भूवैज्ञानिक, तो भो के लिए क्या लिखते बी एच, बी एच डबल ओ, क्या बन गया भू वैज्ञानिक, तो भी ए आई वे ग्या, ग्यो है तो ग्यो के लिए क्या लिखते जी वाय, जी वा ए भू ए गया नी एन आई नी, क्या बन गया भू वैज्ञानी। यहाँ देखिए क्या पूर्ण योग है, तो पूर्ण, तो पी यू आर एन पूर्ण योग, Y O G क्या बन गया पूर्ण योग बन गया, क्या बन गया पूर्ण योग। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या कृत कृतज्ञता, कृतज्ञता, तो को के लिए क्या लिखते के, रिका के लिए R I, तो के लिए T, तो क्या बन गया कृतज्ञता, तो G Y A T A कृतज्ञता, क्या बन गया कृतज्ञता। उसी प्रकार यहाँ देखिए शिक्षा वृत्ति, क्या शिक्षा, तो तारम शब्द क्या लिखते हैं एस एच, तो एस एच आई के एस एच ए, क्या बन गया शिक्षा वृत्ति है, तो वी आर आई डबल टी आई, क्या बन गया शिक्षा वृत्ति। क्या देखिए क्या हस्तलिप, हस्तशिल्प है, क्या हस्तशिल्प, तो हो के लिए एच लिखते हैं, हो के लिए एच ए, सो के लिए एस टी, क्या बन गया हस्त शिल्प, एस एच आई एल पी, क्या बन गया हस्त शिल्प, हस्त शिल्प, क्या बन गया हस्त शिल्प। उसी पर देखिए अग्र गति, अग्र गति, तो ओ के लिए क्या लिखते ए जी आर, ए जी आर अग्र गति, यहाँ पर आप ए भी लगा सकते हैं क्योंकि बिना ए तो फिर जी ए टी आई, ए जी आर ए जी ए टी आई अग्र गति, अग्र गति। उसी प्रकार देखिए परिकल्पना, क्या परिकल्पना, तो पो के लिए क्या लिखते हैं पी, बिना मात्रा का है तो ए आर आई, क्या बन गया परिकल्पना, तो के ए एल कल पी ए एन ए, क्या बन गया परिकल्पना, परिकल्पना। उसी प्रकार यहाँ क्या जर बुद्धि, तो जो के लिए क्या लिखते जे ए आर जर बुद्धि, तो बी यू पहले दो है उसके बाद दो है, तो डी डी एच आई जर बुद्धि, क्या बन गया जर बुद्धि।
तो यहाँ देखिए क्या है, सन्निकट। क्या सन्निकट, तो सो के लिए क्या लगते हैं, एस ए डबल नो है तो डबल एन आई, क्या बन गया सन्नी कट है तो के ए टी कट, सन्नी कट, क्या बन गया सन्नी कट। यहाँ क्या उन्मुक्ति, क्या उन्मुक्ति, तो यू एन आधा नो है सिर्फ एन रहेगा, मो है तो एम, हर्षु का है तो यू, उन्मु कति तो के टी आई उन्मुक्ति, क्या बन गया उन्मुक्ति। यहाँ पर क्या इतिवृत्त, क्या इति तो छोटा आई के लिए आई लिखते हैं, फिर तो के लिए टी लिखते हैं, फिर हर्षिका के लिए आई इतिवृत्त, बी अरिका के लिए आर आई, आर आई डबल तो है तो डबल टी इतिवृत्त, इतिवृत्त। यहाँ देखिए क्या है संक्षेप, क्या है संक्षेप, तो सो के लिए क्या लिखते हैं एस, अंशवा के लिए ए एन संक्षेप, अक्षों के लिए के एस एच, आई का है तो ई, पो है तो पी, एस ए एन के एस एच ई पी, क्या बन गया संक्षेप, क्या बन गया संक्षेप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ का भी मैं बेसिक बताता रहूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।